करनाल में सबसे बड़े अस्पताल अमृतधारा के संचालक डॉक्टर संजीव गुप्ता को गोली मारकर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी वारदात के पौने 11 घंटे बाद ही करनाल मेरठ रोड पर यूपी बॉर्डर से पकड़े गए। हरियाणा डांसर सपना चौधरी भाजपा में शामिल हुई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी की मौजूदगी में सपना ने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता ली। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गाजियाबाद में 7 साल के मासूम के साथ रेप की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में रेलवे अधिकारी पर लगा उत्पीड़न का आरोप, महिला ने किया जोरदार हंगामा। मुरादाबाद में बदमाशों ने लूटपाट के बाद युवक को चलती ट्रेन से फेंका, घायल अवस्था में युवक को कराया अस्पताल में भर्ती। मेरठ में बेटे की फोटो वायरल होने से पिता ने की आत्महत्या, पीड़ित परिवार में मचा कोहराम। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। हिंडौन में गुरु पूजा के अवसर पर मानव उपस्था सेवा समिति ने निकाली यात्रा, जगह जगह पर यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। मुरैना में बारिश ने शनि मंदिर परिसर को किया पानी पानी, सेवादारों ने कड़ी मुशक्कत के बाद निकाला बाहर पानी। लोनी में संगीन हालत में नवनिवाहित गायब, नवनिवाहिता की नदी में कूदने का शक, नदी के किनारे खड़ी मिली गाड़ी, गाड़ी से सुसाइड नोट बरामद। शाहजहांपुर में बजट को लेकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सांसद ने बजट को बताया गरीबों का बजट। बांदा में आधार को बनवाने को लेकर सूबे से लगा है लोगों का तांता, कर्मचारी लोगों की समस्याओं पर नहीं दे रहे हैं ध्यान,